बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा है व्लॉग वो है हमारा कुकिंग पे। और आज हम दो चीजें बनाएंगे, एक हम बनाएंगे एक देसी केक और एक बनेगा जी गुलाब जामुन। देसी गुलाब जामुन और केक। पहले हम क्या करते हैं जी, केक की रेसिपी कर आपके साथ शेयर करके जी, उसकी मिक्सिंग करके उसको ओवन में लगा के उसके बाद हम गुलाब जामुन की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जी बेकिंग करने के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए, और वो अभी हम आपको बताते हैं कि क्या है। और उसके बाद आप बेकिंग स्टार्ट करें तो मेरे ख्याल में कि बेकिंग आपकी खराब नहीं हो सकती। इसके लिए परफेक्ट क्वांटिटी चाहिए आपको जी, बिल्कुल। अगर सेल्फ रेजिंग फ्लावर ज्यादा हो गया है या शुगर ज्यादा हो गई है तो भी खराब हो सकता है। अंडे सही तरह नहीं, इसको बीट सही तरह करना है आपने। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी के। अच्छा, सबसे पहले हम चाहिए जी 125 ग्राम 125 ग्राम कास्टर्ड शुगर, बहुत सॉफ्ट होती है, मुलायम, आराम से बाजार से मिल जाएगी। सेम क्वांटिटी में सेल्फ रेजिंग फ्लावर 125 ग्राम्स, दो नॉर्मल अंडे, 125 ग्राम मेल्टेड बटर, मेल्ट करना क्योंकि विस्क करने में आसानी होगी, तीन से चार सब्ज़ इलायची के दाने। ठीक है जी। उसके लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको उसके लिए वेट स्केल चाहिए। तो बाउल मिक्सिंग करिए। जैसे हम सबसे पहले इसमें जाएगा जी कास्टर शुगर, और इसके साथ जाएंगे जी अंडे। इन दोनों को डाल के इनको प्रॉपरली अंडे के साथ शुगर को मिक्स करना है। अगर आपके साथ मशीन है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद बटर डालना है इसमें। ये इस तरह स्मूथ होना चाहिए। आप एक दफा दिखाएं। ठीक है, अब इसमें आपकी चीनी भी ठीक से मिक्स हो गई है, अंडे भी और बटर भी। अब सेल्फ रेजिंग फ्लावर, ठीक है, ये हम डालेंगे इसके बाद। उसके बाद इलायची के दाने, ये देखें, ये चीज होनी चाहिए। अच्छा जी, हम बेकिंग के लिए ट्रे ले ली हमने, इसको हम थोड़ा सा ऑयल के साथ थोड़ा हल्का कर ग्लेज कर लेंगे क्योंकि उसके साथ चिपके रहा। ठीक है जी, ये हो गया, ऑयल हमारा सारा मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। अच्छा जी, अब प्री हीट पे आपका ओवन हो गया 180 प्री हीट कर लिया हमने। अब ये जा रहा है ओवन के अंदर, तो इंशाल्लाह केक हमारा बेक हो रहा है। ठीक है, और अब मैं स्टार्ट करती हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी।
ठीक है, पहले आप इस तरह करो ना, पहले इनकी इंग्रेडिएंट्स बता दो जी, मैं कि हमें गुलाब जामुन के लिए किन की चीजों की जरूरत है, ठीक है? पहले वही बताऊंगी। तो इंशाल्लाह उतनी देर तक वो बेक हो रहा है, ठीक है, जब तक वो रेडी होगा, जैसे ये रेडी हो जाएगा, ये भी हाफ डन हो जाएगा तब तक, तो थोड़ा सा ये रेसिपी थोड़ी सी लेंथी है क्योंकि केक तो जल्दी से हो गया, इसको तकरीबन हमने स्टेप में करना है, मैं आपको ऐसे ऐसा बताती जाऊंगी, ठीक है? अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए दूध चाहिए 170 ml, सूजी चाहिए 50 ग्राम, जो मैंने 15 मिनट पहले इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको तकरीबन 30 ml पानी डाल के तकरीबन इतना इसको रख दिया ताकि इसका दाना जब हम गुलाब जामुन बनाएं तो वो कच्चा ना रहे, नरम रहे, ठीक है। पानी मुझे चाहिए 30 ml, ये देसी घी है जो मैंने मेल्ट करके रखा हुआ है, ये 50 ग्राम है। मिल्क पाउडर है फुल क्रीम 280 ग्राम, ठीक है। और ये है मैदा जो मेरे पास 75 ग्राम है, और वो है ये बराबर बेकिंग सोडा जो 2 पिंच चाहिए, और साथ में चीनी पड़ी है, ये चीनी 1 किलो चीनी, ये सिरप बनाने के लिए 1 किलो चीनी, और ये कुछ चंद दाने इलायची के हैं, ठीक है। और पानी उसमें चाहिए शीरा बनाने के लिए शीरा बनाने के पानी चाहिए 700। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शुगर सिरप। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने पानी लिया 750 ml पानी है, 1 किलो चीनी है, और ये इलायची है, ठीक है। अब मैं इसको फ्लेम को ऑन करती हूँ, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब इस पानी के अंदर ये मैं चीनी ऐड करूँगी, और साथ ही मैं थोड़ी इलायची के दाने और तकरीबन 4 इलायची, ये दोनों चीजें ऐड कर दूंगी। इसको नॉर्मल फ्लेम पे, आपने इसको तेज फ्लेम पे नहीं बनाना और ना ही आपने इसको तार वाला बनाना है, इसको नॉर्मल फ्लेम पे इसको मेल्ट करें चीनी को, और साथ ना चम्मच को हिलाते रहना ताकि ये नीचे से लगे ना। सबसे पहले अब मैं इस पैन में दूध डालने लगी हूँ, दूध डाल के इसको रखने लगी हूँ, और जब इस पे एग बॉइल आएगा तो मैं इसको स्टोव बंद कर दूँ, चूल्हा बंद करके इसको साइड पे कर दूंगी। साइड पे करने के बाद इसमें मैं घी ऐड करूंगी, आप ये देख सकते हैं इसका एक बॉइल आ गया है, इसको मैं कर देती हूँ साइड पे, और अब इसमें मैं डालूंगी देसी घी, और देसी घी डाल के मैं इसको मिक्स करूंगी और ठंडा होने के लिए रख दूंगी, मिक्स करके अच्छी तरह मिक्स करके इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और अब इसको ठंडा होने देती हूँ, ये आप देख सकते हैं ये चाशनी जो है गुलाब जामुन की, शीरा जो है ये डन हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब ये दूध और घी जो है अच्छी तरह मिक्स हो चुका हुआ और ये ठंडा भी हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी ये जो सूजी मैंने रखी हुई है, ये मैं इसमें ऐड करती हूँ, ठीक है, और साथ ही इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँ, और फिर मैं इसमें ऐड करूंगी ड्राई मिल्क पाउडर, मैं इसमें ऐड करती हूँ ड्राई मिल्क पाउडर, इसको मैं अच्छी तरह ना इसमें मिक्स कर, इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे फ्रिज में। इसको हाथ से मिक्स कर दूं तो ज्यादा बेहतर है। ये अब अच्छी तरह मिक्स हो गया, इसको मैं रखने लगी हूँ फ्रिज में 15 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी बेकिंग पाउडर और मैदा,
अब इसको मैंने 15 मिनट बाद फिर से निकाल दिया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा और दो चुटकी ये मैं डाल रही हूँ इसमें बेकिंग पाउडर। अब इसको मैं अच्छी तरह ना मिक्स करती हूँ। आपने इसकी डो को बहुत हार्ड नहीं करना है, आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट है। ये अब आप देख सकते हैं कि डन हो चुकी है और कैसे सॉफ्ट है, ठीक है। अब मैं इस प्लेट को हल्का सा ग्रीस करूंगी और छोटे छोटे बाउल बना के ना इसमें रख दूंगी। आप ये देख सकते हैं गुलाब जामुन हमारे डन हो चुके हैं। मैं और ये छोटा सा मिनी सा गुलाब जामुन मैंने रखा हुआ है ट्राई के लिए। ये मैं ऑयल में डालूंगी और इसका देखूंगी कि ये ऑयल का टेम्परेचर कितना है। अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तकरीबन 5 मिनट और। मेरे ख्याल में अब डाल देना चाहिए क्योंकि ऑयल हो चुका है, पानी वेट नहीं करना चाहिए। अब इसको मुझे ऐड करना चाहिए ताकि ये अच्छी तरह ना कुक हो जाएंगे। अब ये डन हो चुके हैं। मैं अगर इसे ज्यादा कुक किया तो ये ब्लैक हो जाएंगे। अब इसको हम निकालते हैं और जैक जॉनसन शीरे में ऐड कर देते हैं। इसलिए मैं इसको स्ट्रेच करती हूँ, इसको डिप करती हूँ ताकि इसके अंदर तक जॉनसन चाशनी चली जाए। अब हमारी दोनों रेसिपी डन हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं केक भी और गुलाब जामुन भी। अब हम इसको ट्राई करते हैं। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी बनी है। केक थोड़ा सा हमने ट्राई कर लिया है, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बना है। अब गुलाब जामुन की बारी है, देखते हैं वो कैसे है। केक इन्होंने ट्राई किया है, मैंने नहीं अभी किया, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। सॉफ्ट है ना, बहुत अच्छा बना है और इसमें जो इलायची का फ्लेवर आ रहा है ना वो भी बहुत मजे का है। तो मैं फर्स्ट टाइम इलायची वाला खा रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा है। देखिए जी कितना सॉफ्ट बना है। Seriously, ऐसे लग रहा है जैसे किसी प्रोफेशनल ने बनाया है, honestly। खा के बताओ जी। सच में बहुत मजे का, ये तो बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट बना है। Seriously, कसम खुदा के बहुत नाइस बना है। वेल डन, थैंक यू मी एंड यू। बहुत नाइस बना जी, और इंशाल्लाह ताला अगले वीक में कुछ और रेसिपीज आएंगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बनाएंगे तो पिज्जा और
नेक्स्ट वीक में हम लोग सोच रहे हैं कि पास्ता बनाए और जो भी होगा ये आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे, तो फिर इंशाल्लाह ठीक है जी। तो इस व्लॉग को आप हमें कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट हम लोग क्या बनाएं, पिज्जा बनाएं या पास्ता बनाएं या आप और भी कोई चीज है वो आप हमें कमेंट में बता देगा, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर वो बनाएंगे। अभी के लिए सबको खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ एंड कीप हैप्पी, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।